हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन में अपने घर में होंगे और लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे होंगे, बार बार अपना हाथ धो रहे होंगे और अच्छे से खुद को सैनिटाइज करके रह रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड में अभी तक कोई ऐसा मामला देखने को नहीं आया है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असुरक्षित रहें, आप जैसे मन वैसे रहने लगे। क्योंकि अभी आप अगर देखोगे मध्य प्रदेश का मामला, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही अंत में कोरोना के कुछ मामले देखने को मिलते, तब तक महाराष्ट्र में 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके थे। लेकिन जब एमपी में मामला मिलना शुरू हुआ तो पतझड़ सी लग गई, क्योंकि वहाँ के लोग रिलैक्स हो गए थे। तो दोस्तों, रिलैक्स नहीं होना है और आपको जहाँ तक कोशिश करना है अपने आसपास के लोगों को भी आप समझाएं, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं, या फिर झूठ मूठ का ऐसे ही, जैसे कि सामान की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर वो मार्केट घूमने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें समझाएं और बताएं कि कितना ज़रूरी है आज के समय में घर में रहना। ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप यंग हो और आप अभी, आपको क्या करना है कि अभी दुनिया को लीड करना है। तो अगर आप यहाँ से अपने मोहल्ले को लीड नहीं कर पाओगे, तो आगे चल के आप किसी कंपनी में बॉस, मैनेजर या फिर किसी भी बड़े पद पर क्या स्थापित होगे। तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी अभी से होनी चाहिए, ताकि आप किसी को लीड कर सको, लोगों को गाइड कर सको। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन लेकर के आ गया हूँ। इसमें मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें झारखंड के हैं और कुछ फरवरी के भी हैं और ज़्यादातर ये मार्च के हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100+101 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको निश्चय ही ये मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोरोना वायरस के जो भी शिकार हुए हैं, इसमें आप देश की कुछ मदद करें, तो पीएम केयर्स करके एक पीएम मोदी ने अपने ट्विटर में एक अकाउंट बताया है। आप उस पर चाहे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी फॉर्म में, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पैसे सबमिट कर सकते हैं, तो आप जरूर सबमिट करें। चलिए शुरू करता हूं मैं आज का क्वेश्चन आंसर। अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के मद्देनजर झारखंड के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान को कब तक बंद रखा जाएगा। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लागू है, ये 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ठीक है, आगे है कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत हजारीबाग जिले से की गई है। ठीक है, और ये जो है इसमें आंगनबाड़ी महिलाओं के द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिला, धात्री माता तथा किशोरियों की माता को प्रसव पूर्व जांच, पोषक आहार, स्तनपान, स्वास्थ्य और माँ और शिशु का आहार आदि के विषय में समझाना, ये इनको काम दिया गया। यही दरवाजा खटखटाना है और आपको ये चीजें बतानी है, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए है, हजारीबाग से ये काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार। देखिए, डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार जो है ये हर वर्ष पूरे देश में एक महिला चिकित्सक को मिलने वाला सम्मान है, और इस वर्ष ये सम्मान जो है एक झारखंड की महिला को मिला है, रामगढ़ की महिला को मिला है, डॉक्टर सांत्वना सरन को। और ये झारखंड के रामगढ़ की हैं और इनको कोलकाता में ये आयोजित हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, आईएमए के द्वारा, और इसमें इनको ये सम्मान दिया गया, डॉक्टर कनक गोयल सम्मान या पुरस्कार। आगे है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपातकाल कोरोना से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ये कितना राशि दिया गया है, तो इसमें इन्होंने 200 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम झारखंड के किस जिले में मनाया गया। सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम मनाया गया जामताड़ा में, जामताड़ा में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 मार्च से 26 मार्च के बीच में की गई थी।
नेक्स्ट है कि झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले हमारे डीजीपी थे कमल नयन चौबे, के एन चौबे, ये एक्स थे। अभी इनको दिल्ली भेज दिया गया, ये दिल्ली हो गए हैं। अब हमारे बने हैं एम वी राव। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल कितनी उपराजधानियां होंगी। अब जैसे अभी तक आपको पता है कि झारखंड की एक राजधानी और एक उपराजधानी है, तो उपराजधानी क्या है, दुमका है। तो अभी एक नया प्रस्ताव आया है जिसमें तीन और उपराजधानियां बनाई जाएंगी, जो कि टोटल कितनी उपराजधानियां हो जाएंगी, चार। और किसको किसको उपराजधानी बनाई जाएगी, तो ये यहां पे लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और तीन जो बनेगा वो बनेगा मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। अगर हमारे कोई मित्र इन जगहों से हैं तो आप नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दुमका पहले से ही था, तो झारखंड हमारे पूरे देश में एक पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर एक राजधानी, चार उपराजधानी होगी। आगे है कि राज्य के कितनी उम्र की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। राज्य के कितनी उम्र की सभी विधवा महिलाओं को, तो 18 ईयर्स से अब जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन दी जाएगी। और इसकी घोषणा जो है जोबा मांझी ने करी है, जो कि महिला एवं बाल विकास सुरक्षा मंत्री हैं। आगे है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने रांची में रेवोल्यूशन स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की है। अब यहां पे बहुत से लोग महेंद्र सिंह धोनी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। ये शुरुआत करी है रोहित शर्मा ने, रोहित शर्मा ने। और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, ये राजधानी रांची में अप्रैल माह में एकेडमी खोलने की घोषणा करी गई थी इनके द्वारा, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अप्रैल में इसका उद्घाटन करना था, लेकिन अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। आगे हम मनरेगा के अंतर्गत राज्य में न्यूनतम मजदूरी कितनी रुपए दी जाएगी। मनरेगा के तो ये 272 रुपये पर डे, 272 रुपये प्रति दिन। और राज्य के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने का फैसला जो है वो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार के सिफारिश में की है, और इसके तहत जो है वो 272 रुपये पर डे अब मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा अगर वन क्षेत्र की मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है लातेहार में, यहां पर कितना है, 56.02%, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे चतरा आता है, जहां पे 47.5% है। ओके, आप अप्रोक्स 56 लिखा हुआ है, अप्रोक्स 56 है, 56.02 भी आप मान सकते हैं। आगे, झारखंड की किस महिला को मिस इंडिया एलिगेट 2020 का खिताब मिला है, मिस इंडिया एलिगेट 2020, तो ये मिला है सायला सोमानी, सायला सोमानी को। और रांची की सायला सोमानी ने मिस इंडिया एलिगेट 2020 का खिताब जीता है, और ये राज्य भर में प्रतिभागी यहां पे शामिल हुई थी। आगे, भारतीय सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये लेह में किया जाएगा, याद रखेंगे आप, लद्दाख। नेक्स्ट है, 20 मार्च को जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि दी गई, जब 20 मार्च को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो इस बार इनकी ये 50वीं पुण्यतिथि थी, 50वीं, ठीक है। और इन्हीं के कप्तानी में हमने हॉकी में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे आप, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की है, किसकी स्थापना करने की घोषणा की है, तो इन्होंने घोषणा करी है राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। और इसके पूर्व अध्यक्ष, सॉरी, इसके अध्यक्ष जो है वो पूर्व विकास आयुक्त देवाशीष गुप्ता को बनाया गया है। तो याद रखेंगे आप, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं देवाशीष गुप्ता, जो कि पहले पूर्व, सॉरी, विकास आयुक्त थे। ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी में इनका था। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने समग्र शिक्षा पर फोकस करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 में कितनी राशि खर्च करने का फैसला किया है, 2020-2021 में कितनी राशि, ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन पे खर्च करने की बात कही है इन्होंने, तो यहां पर बात करी गई है 2960 करोड़ रुपए, 2960 करोड़। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की 56वीं बैठक में शिक्षा विभाग ने 2960 करोड़ ये दिया है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मीडिया सम्मान किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किसे दिया गया? तो यह दिया गया एक न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर कौन से न्यूज़पेपर को दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रभात खबर को। प्रभात खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बेहतरीन कवरेज के लिए इनको यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिया है। नेक्स्ट, झारखंड में किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? नारी शक्ति पुरस्कार 2019, तो ये चामी मुर्मू को दिया गया है। चामी मुर्मू नाम याद रखेंगे आप, चामी मुर्मू। और ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन रामनाथ कोविंद जी, हमारे राष्ट्रपति जी ने इनको ये सम्मान दिया है। और यह कोल्हान क्षेत्र के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली हैं। आगे है, हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, टेनिस हैं, हॉकी हैं, किससे हैं? तो ये एक फुटबॉलर थे, पीके बनर्जी। और ये जमशेदपुर क्लब के लिए निर्देशक रहे हैं 6 सालों तक। आगे है कि जनजाति अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? जनजाति अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जो है ये किया गया रांची में, रांची में किया गया है। और ये रांची के आड्रे हाउस में इसका आयोजन किया गया था, याद रखेंगे आप, रांची के आड्रे हाउस में। नेक्स्ट है, मानिया सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं? मानिया सिंह तो ये संबंध रखती हैं स्केटिंग से, स्केटिंग। और रांची की रातू में रहने वाली हैं मानिया सिंह। और इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय आइस स्टॉक प्रतियोगिता में झारखंड टीम के लिए टीम से हिस्सा लिया था इन्होंने। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है? कोरोना वायरस संक्रमण से फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हर एक जिले को एक राशि आवंटित की गई है। तो कितना राशि आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 50 लाख रुपए हर एक जिले को, ठीक है। राज्य के हर एक जिले को 50-50 लाख दिया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग में हुआ है? झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में हुआ है? तो ये खिलाड़ी हैं आकाश रविदास। आकाश रविदास याद रखेंगे आप, ये एक राइफल शूटर हैं, ठीक है। और ये 50 मीटर चयन में, 50 मीटर के राइफल शूटिंग में इनका नेशनल टीम में चयन हुआ है। आगे है, द कॉटन सीड, द कॉटन सीड पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉटन सीड बुक का नाम याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो भी बुक बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, झारखंड के एग्जाम में पूछे लायक है, जाने लायक है। तो द कॉटन सीड इस पुस्तक के लेखक कौन है? काजल आयकत, काजोल आयकत। और यह हजारीबाग की रहने वाली हैं। इन्हें दिल्ली में यूएन पॉपुलेशन एंड एसोसिएशन से सम्मानित किया गया है। और इस पुस्तक में समलैंगिक एवं किन्नर समाज के आर्थिक विकास में उनके रिसर्च के लिए दिया गया है। यानी कि किन्नर जो है हमारे समाज में किस तरह से आर्थिक विकास में मदद कर रहे हैं, इस पर इन्होंने रिसर्च करा और इस पुस्तक में बताया है, तो इसके लिए ये उन्हें पुरस्कार भी मिला है। ओके, आगे है, नो हेलमेट नो एंट्री अभियान किस जिले में चलाई जा रही है? नो हेलमेट नो एंट्री ये धनबाद में चलाई जा रही है, धनबाद। और जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा धनबाद जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत सभी कार्यालय प्रमुख एवं विभाग अध्यक्ष से सभी कर्मियों एवं आम लोगों को बिना हेलमेट के प्रवेश पर रोक लगाया जा रहा है। आगे है कि झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करी जाएगी तो किस शहर में की जाएगी? तो ये देवघर में करी जाएगी। आपको पता ही होना चाहिए कि देवघर में एक प्लास्टिक पार्क की भी स्थापना करी जा रही है, ठीक है। साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए कि देवघर ही हमारा एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं पूरे झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है कि झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला तो ये है जामताड़ा। जामताड़ा यहाँ पे सबसे कम 5.56% है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है देवघर, यहाँ पे 8.16% है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा धनबाद, यहाँ पे मात्र 10% है। तो याद रखेंगे आप, ये बॉटम थ्री हैं, जामताड़ा बॉटम, सेकंड बॉटम देवघर, थर्ड बॉटम धनबाद।
आगे है कि नाट्य रत्न पुरस्कार, नाट्य रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नाट्य रत्न सम्मान दिया गया है अजय मलकानी को, अजय मलकानी को। अजय मलकानी राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के प्रशिक्षु रहे हैं। आगे है झारखंड के किस समाज सेवी को कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है कमलेश कुमार सिंह को, कमलेश कुमार सिंह को, और पलामू जिले के ये निवासी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि झारखंड में किसे लाइफ टाइम एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? झारखंड में किसे लाइफ टाइम एजुकेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर आलोक सहाय को, डॉक्टर आलोक सहाय को। और रांची के नगड़ी, रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक हैं डॉक्टर आलोक सहाय, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है। आगे है किस योजना के तहत राज्य में नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी? किस योजना के तहत? तो यहाँ पर दो योजनाएं चलाई जाएंगी, एक है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और एक है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, यानी कि ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह मुख्यमंत्री मेधावी योजना जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 12,000 प्रतिवर्ष की राशि दी जाएगी। वहीं ये जो विशेष छात्रवृत्ति योजना है, इसमें सामान्य वर्ग की कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को सपोर्ट किया जाएगा। ओके, आगे है कि द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है? द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल के ये इसके पुस्तक हैं विवेकानंद झा, विवेकानंद झा। नेक्स्ट है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 में यंग राइटर का अवार्ड किसे मिला? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 में यंग राइटर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है तासा झा को, तासा झा। और ये गुमला जिले की रहने वाली हैं, 6ठी क्लास में पढ़ती हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वी स्टैंड विद यू, और इन्हें इसी के लिए इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची में, ठीक है, रांची में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देवघर में, प्लास्टिक पार्क देवघर में, याद रखेंगे आप। आगे है बजट में जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? जल जीवन मिशन के लिए कितनी, अभी देखिए अभी झारखंड में भी जल संकट शुरू हो गया है, तो यहाँ पे जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि की घोषणा करी गई है? तो इसमें 3.6 लाख करोड़ दी जाएगी। आगे है भारतीय रेलवे ने झारखंड में पहली बार किस शहर में हॉकी कैंप लगाने का निर्णय लिया? इंडियन रेलवे ने हॉकी कैंप लगाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है रांची में, रांची में लिया है, याद रखेंगे। और इसका आयोजन 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक हटिया के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटीग्रेटेड बांबू पार्क, यानी कि बांस पार्क की स्थापना कहाँ की? जब देखिए अलग अलग पार्क आता जा रहा है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बांबू पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय बांबू पार्क दुमका में लगेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बांबू पार्क दुमका में लगेगा, याद रखेंगे आप, ये सारी चीज़ आप अलग से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस सर्वे में रांची एयरपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में कितने पायदान पर है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रांची जो है, रांची एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तो ये जो स्थान है इसका है 19वां। ये देखिए ये कस्टमर फीडबैक के द्वारा ये है, जो कैसा फीडबैक कस्टमर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये रांची एयरपोर्ट पर जो सुविधाएँ हैं इन सबको लेकर फीडबैक में ये पूरे वर्ल्ड में 19वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा झारखंड के किस किसान को न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया है? न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया है इस बार बैजनाथ महतो को, बैजनाथ महतो को। और देश के 39 किसानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड के एकमात्र बैजनाथ महतो जी हैं, और यह पुरस्कार ऑक्सीजन खेती के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के किस स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो ये इटखोरी चतरा में किया जा रहा है। आगे है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में रांची एयरपोर्ट देश भर की रैंकिंग में कितने पायदान पर है? ये इंडिया की बात हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने देखा था 19th नंबर पे था, और अगर पूरे इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में ये पहले नंबर पे है, कस्टमर फीडबैक पे दिया जाने वाला ये पुरस्कार रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि जूनियर नेशनल कुश्ती में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। जूनियर नेशनल कुश्ती में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं। ओके नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन दो स्टेशनों के बीच ट्रेनों का परिचालन पूर्णतः महिलाओं के द्वारा किया गया। पूरा का पूरा महिलाओं ने ही इन दोनों स्टेशनों को परिचालन किया, तो ये है रांची और टोरी। नेक्स्ट है कि नई विधानसभा भवन में किन की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो नई विधानसभा परिषद, अभी पता ही होगा कि पहले हमारा विधानसभा रेंट पे चलता था, तो अब एक नया विधानसभा बना है, तो इसमें किन की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो यहाँ पर लगाई गई हैं भगवान बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ए और बी दोनों। आगे है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है, तो ये मनाई है 41वीं, 41st। नेक्स्ट देखते हैं कि आईमा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से कितने से किसे सम्मानित किया जाएगा। आईमा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये किया जाएगा डॉक्टर अंबिका सिंह को, डॉक्टर अंबिका सिंह को। आगे है, अटल बिहारी स्मृति पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जब देखिए पार्क बहुत सारे आ रहे हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अटल बिहारी स्मृति पार्क जो है ये बनेगा आपको रांची में बनेगा। नेक्स्ट है, राज्य में किस भाषा की मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है, तो ये असुर असुर भाषा के मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई, क्योंकि इसकी संख्या अब कम हो गई है इसीलिए। नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मानव तस्करी की शिकायत किस राज्य में मिली है, तो ये हमारे झारखंड में ही मिली है सबसे ज़्यादा मानव तस्करी की रिपोर्ट। आगे है, झारखंड का एकमात्र मेडिकल अस्पताल जहाँ कोरोना वायरस की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, ये एकमात्र अस्पताल जहाँ पर कोरोना वायरस के जाँच की सुविधा भी अवेलेबल है, तो ये है AGM अस्पताल जमशेदपुर, MGM अस्पताल जमशेदपुर। ठीक है, और ये जो है कोरोना का स्वाब और ब्लड सैंपल की जांच फिलहाल मात्र यहीं पे, यानी कि महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल जमशेदपुर में की जा रही है। इसके लिए आप 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया। स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन किया गया टैगोर हिल, रांची में टैगोर हिल में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है सुधा सिन्हा को, शर्मिष्ठा मजूमदार को और सोनाली दास को, यानी कि इनमें से सभी को ये सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिनियम के विरोध में झारखंड सरकार में पारित हुआ। इनमें से कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पास किया है उसके विरोध में इसे पास किया गया है, तो ये जो अधिनियम है ये अधिनियम है NRC और NPR, यानी कि ए और बी दोनों। आगे है कि झारखंड के किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब मिला है। मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब दिया गया है, तो ये दिया है परिधि जी को, परिधि को ये खिताब मिला है, और ये रांची की रहने वाली हैं, और यह अवार्ड ग्लोबल इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के द्वारा दिल्ली में दिया गया। आगे है, हाल ही में IBM के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। IBM के नए CEO बने हैं अरविंद कृष्ण, अरविंद कृष्ण, और ये कोल इंडिया के पहले अध्यक्ष थे, और प्रमोद सॉरी IBM, ये अरविंद कृष्ण बने हैं। ठीक है, अरविंद कृष्णा। और वहीं यहाँ पर दो और CEO के बारे में बताया गया है, एक प्रमोद अग्रवाल जो कि कोल इंडिया के हैं, और राजीव बंसल जो कि एयर इंडिया के हैं। आगे, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में किया गया, तो ये आकाश रविदास है, याद रखेंगे इसे आप। नेक्स्ट है कि राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं राजीव लोचन बख्शी, राजीव लोचन बख्शी। आगे है, संगीत रत्न रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ज़्यादा डिटेलिंग जिसमें जरूरी है मैं उसी में कर रहा हूँ, सभी में डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चन और कम समय में आपको देना है इसीलिए।
संगीत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संगीत रत्न पुरस्कार जो मिला है लक्ष्मीकांत ओझा को मिला है, ठीक है, एलके ओझा। और यह तबला से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे, और ये झारखंड के ही निवासी हैं, और दिल्ली में इन्हें एक प्रोग्राम में ये पुरस्कार इनको दिया गया। आगे है कि ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक खर्च करने में झारखंड कितनवें नंबर पर रहा है? ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में झारखंड पहले स्थान पर रहा है, झारखंड पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनैलिटी का खिताब किसे दिया गया? बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनैलिटी का खिताब मिला है प्रिया मिश्रा को, प्रिया मिश्रा को। और ये सेंट जेवियर कॉलेज की छात्रा प्रिया मिश्रा हैं, इन्हें बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनैलिटी का खिताब मिला है। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक खर्च करने में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो ये पहले नंबर पर रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे है कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल, मैंने ऊपर भी जिक्र किया था इसका, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये आ गया है। और ये मूल रूप से झारखंड के रामगढ़ के निवासी हैं, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे रामनाथ कोविंद, आरएन कोविंद। आगे है कि जसिंथा केरकेट्टा के किस पुस्तक का अनुवाद फ्रेंच में किया गया है? जसिंथा केरकेट्टा के किस पुस्तक का अनुवाद जो है वो फ्रेंच में किया गया है? तो ये इनकी पुस्तक है अंगोर, अंगोर को फ्रेंच में अनुवादित किया गया। और झारखंड की आदिवासी कवयित्री हैं ये जसिंथा केरकेट्टा, और इनकी पहली कविता संग्रह अंगोर का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय अंडर-19 विश्व कप में खेले? तो ये सुशांत मिश्रा हैं, रांची के हैं ये, याद रखेंगे, फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं ये। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय ऐतिहासिक रजरप्पा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 2 दिवसीय ऐतिहासिक रजरप्पा महोत्सव जो है वो रजरप्पा में ही किया जा रहा है, याद रखेंगे आप। और ये 29 से 1 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है राज्य में पोषण पखवाड़ा का आयोजन कब तक किया गया, कब किया गया, यानी कि राज्य में पोषण पखवाड़ा का आयोजन जो है ये कब किया गया? तो ये किया गया 22 मार्च को, 22 मार्च को। आगे है वर्तमान में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव कौन है? वर्तमान में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव कौन है? तो ये है आराधना पटनायक, आराधना पटनायक। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि रहने के लायक में झारखंड सभी अपने राज्यों में कितनवें स्थान पर आता है? तो रहने के मामले में यहाँ पर ये 13वें नंबर पाता आता है, ठीक है। और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर ये 36 राज्य हैं टोटल, तो इसमें ये 13वें स्थान पर आ रहा है। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र आता है। आगे ईज ऑफ लिविंग में अगर शहरों की बात करें तो धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें धनबाद को 54वां पुरस्कार, 54वां मिला है। और आगे है कि झारखंड के किस साहित्यकार को रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 प्रदान किया गया? तो झारखंड के जो साहित्यकार हैं, ये साहित्यकार हैं अनीता रश्मि, अनीता रश्मि, इनको ये मिला है। और ये सर्व भाषा ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से रांची के साहित्यकार अनीता रश्मि को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया में सबसे अधिक समलैंगिक कर्मचारी किस कंपनी में काम कर, देखिए अब कहाँ कहाँ काम करते हैं ये तो बाकी विश्व में और लोगों ने इसे बताया नहीं है, लेकिन टाटा स्टील में अब इसे बता दिया गया है। तो ये टाटा स्टील इसका है, टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा समलैंगिक कर्मचारी काम करते हैं। और ये इसकी टाटा स्टील को टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। और इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर शहर में की गई थी। आगे है काव्य संग्रह आंगन की गोरैया किसके द्वारा लिखी गई है? काव्य संग्रह आंगन की गोरैया पुस्तक के लेखक कौन है? ये काव्य संग्रह है, तो इसे लिखा है मुक्ति सहदेव ने, मुक्ति सहदेव ने। और ये पुस्तक झारखंड के रीति रिवाज रिवाज और कल्चर के बारे में बताता है। आगे है झारखंड की किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? ये जो भी डिसीजन होगा या जो भी वहाँ पे बातें होंगी उसको ये संथाली भाषा में अनुवाद करेंगी, और वो जो निकलता है एक
गजट उसको मैं, वो संथाली भाषा में भी अब अनुवाद के फॉर्म में ये निकलेगा। तो ये बनी है प्रिया मरांडी, प्रिया मरांडी साहिबगंज जिले की, ये प्रिया मरांडी हैं। आगे है राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन हजारीबाग में किया गया, याद रखेंगे आप। और इस शिविर में झारखंड सहित देश के 13 राज्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भागीदारी आए थे। नेक्स्ट है, झारखंड में किसे साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड में किसे साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है यशोधरा राठौड़ को, यशोधरा राठौर को। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं साहित्यकार डॉक्टर यशोधरा राठौर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे है 90.4 FM का प्रसारण रांची में कब किया गया, यहाँ पे जाएगा नहीं, कब कर दिया गया ये है, तो ये 8 मार्च को किया गया, 8th of March वुमेंस डे के तौर पे, ठीक है, वुमेंस डे पे ये किया गया। आगे है बजट 2020 में राज्य के नागरिकों को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है, तो ये 100 यूनिट बिजली दिया जाएगा। अगर आप 300 यूनिट तक बिजली बिल अगर आपका आता है तो आपको 100 यूनिट की फ्री मिलेगा। आगे है राज्य को किस फसल से बेहतर उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। कृषि कर्मण पुरस्कार हर फसल में अलग अलग अच्छे उत्पादन के लिए दिया जाता है, तो झारखंड ने कौन सा फसल अच्छा उत्पादन किया है, तो झारखंड ने किया है धान का उत्पादन सबसे अच्छा, इसीलिए इन्हें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। आगे है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे धनबाद में आपने देखा कि धनबाद को 54वां स्थान मिला था, जिस तरह से रांची को कौन सा स्थान मिला है, तो रांची को मिला है 58वां, रांची को 58वां मिला है, जिसमें टॉप में अगर शहरों की मैं बात करूं तो पहले नंबर पे इंदौर है मध्य प्रदेश का, और सलेम है तमिलनाडु का दूसरे स्थान पे। आगे है कि गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर झारखंड राज्य के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो इसमें जो है झारखंड राज्य का लघु और कुटीर उद्योग की झांकी जो निकाले गए थे, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं दूसरे स्थान पे पर्यटन एवं कला संस्कृति, और तीसरे स्थान पे वन एवं पर्यावरण विभाग, यानी कि पहले स्थान पे लघु कुटीर उद्योग, दूसरे स्थान पे पर्यावरण एवं कला संस्कृति विभाग, और तीसरे स्थान पे वन एवं पर्यावरण विभाग को ये झांकियों के लिए पुरस्कार मिला। आगे है झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया झारखंड एशिया इंटरनेशनल 2020 का खिताब दिया गया है, तो ये खिताब दिया गया है परिधि को। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। आगे है फिट इंडिया स्कूल प्रतियोगिता की शुरुआत किस राज्य में की गई। फिट इंडिया स्कूल की शुरुआत की गई झारखंड में, फिट इंडिया स्कूल झारखंड में की गई है। आगे है आम बजट 2021 में किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय बनेगा, इसकी घोषणा की गई है। आदिवासी संग्रहालय मई में इसे शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन अभी लॉकडाउन हुआ है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। आगे है एक सप्ताह राष्ट्र के नाम, ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत झारखंड के किस शहर से की गई, तो एक सप्ताह राष्ट्र के नाम ये शुरू किया गया है गुमला से, गुमला से किया गया है। और ये डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल औरंगाबाद महाराष्ट्र द्वारा विकास भारती के मुख्यालय विशनपुर गुमला में 3 से 8 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्य में से किस भाषा को मोबाइल रेडियो की शुरुआत, किस भाषा के मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है, तो ये असुर 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 की शुरुआत की गई है, असुर भाषा में। और इसकी संख्या, अब इस जनजाति की जनसंख्या बहुत कम रही है, तो इस भाषा को बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है, ताकि ये लोगों की इस भाषा के बारे में पता चले। आगे है टाटा समूह के संस्थापक जे एन टाटा को की कौन सी जयंती मनाई गई। टाटा समूह के संस्थापक जे एन टाटा की कौन सी जयंती इस बार मनाई गई, तो इस बार इनकी मनाई गई है 181वां जयंती, 181 181। और 1840 में 3 मार्च को इनका जन्म हुआ था। आगे है आम बजट 2020-21 में झारखंड में निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो इस बार आम बजट में घोषणा की गई आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा। नेक्स्ट है झारखंड में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी कितने रुपए का इजाफा, झारखंड में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी में कितने रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है, तो इस बार लोगों के में 3,407 रुपए का जो सालाना आमदनी है, इसमें इजाफा, यानी कि पर कैपिटा इनकम पहले कितना था, यह था
62,345, जबकि ये बढ़ के हो गया है 65,802, यानी कि लगभग 5.5% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कितनी राशि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, तो इस बार ये किया गया 86,370 करोड़, 86,370 करोड़। नेक्स्ट है, झारखंड में साबुन डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, झारखंड में साबुन डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये बरामबे में की जाएगी, बरामबे। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत ये फैक्ट्री खोला जाएगा। आगे है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर उमा कुमार को, प्रोफेसर उमा कुमार को, ये एम्स के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है कि सघन मिशन इंद्रधनुष किस अभियान से संबंधित है, सघन मिशन इंद्रधनुष किस अभियान से संबंधित है, तो ये है टीकाकरण, टीकाकरण से संबंध है इनका। आगे है, और ये राज्य में 2 मार्च 2020 को सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान को पूरे राज्य में चलाया गया, और यह बच्चे को हर तरह का टीकाकरण, यानी कि इसमें लगभग 7 तरह के बीमारियों से का टीका दिया जाता है, उससे ये संबंधित है। आगे है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड स्वास्थ्य विकास सूचकांक में कितनवे नंबर पर है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड इस मामले में कितनवे स्थान पर है, तो ये है 26वें स्थान पर, 26 नीति आयोग स्वास्थ्य विकास सूचकांक में, हेल्थ इंडेक्स में। और प्रथम स्थान पे इसमें केरल और अंतिम स्थान पे बिहार रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य की विकास दर कितनी अनुमानित है, राज्य की विकास दर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं 2019-20 की टोटल वित्तीय वर्ष, यानी कि अभी ये 31 मार्च तक काउंट होता है, तो अभी कुछ दिन, 1-2 महीने में ओवरऑल जो जितना भी हमने ग्रोथ किया है वो आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अनुमान कितना किया गया है, तो इसके लिए 7.2 का अनुमान लगाया गया था, लेकिन देखते हैं कितना जाता है ये। आगे है कि प्रति व्यक्ति आय में देश के 28 प्रमुख राज्यों की रैंकिंग में झारखंड कितनवें स्थान पर है, पर कैपिटा इनकम में झारखंड है 25वें स्थान पर है, और इससे नीचे बिहार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश हैं। आगे है, राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया गया है, राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 19, 19 केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा स्टील द्वारा किसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, किसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये दिया गया कमालिका बारी, कमालिका बारी। और हमारा 100th क्वेश्चन है कि झारखंड के किस कारखाना को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया, तो ये चितरंजन रेल कारखाना, इन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंजन प्रोड्यूस किया है इस साल, 402 2018-19 में इतना किया है, इसके लिए इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 101वां नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको ऊपर बताया था कि झारखंड राज्य में सिर्फ एक ही अस्पताल है जहां कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की जाती है, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं जहां पर ये शुरुआत हो गई है, तो पहला तो एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर था, लेकिन दूसरा कौन है, तो ये है रिम्स रांची, यहां पर भी इसकी शुरुआत हो गई है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, रिम्स रांची। अब झारखंड में कुल दो दो ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर कोरोना वायरस की इसके संक्रमण की जांच अब संभव हो पाई है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, एक एमजीएम अस्पताल, और इसके लिए 104 नंबर जो है ये क्या है, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके जांच के लिए आप इस पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुल 100 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट किया, कुछ क्वेश्चन भले हो सकता है रिपीट हो गया हो, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको 90+ क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, आप इसे लाइक करें ना करें, लेकिन अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही झारखंड के जीके या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक ले लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।